हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक वेद नर्सिंग क्लासेस। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एमपी एनएचएम स्टाफ नर्स की ऑफिशियल आंसर की हम बात करने वाले हैं, जो 2021 में पेपर लिया गया था। उन पेपर को हम आज सॉल्व करने वाले हैं इस वीडियो में। यदि आप एनएचएम की प्रिपरेशन कर रहे हैं स्टाफ नर्स की, या फिर आप सीएचओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो सीएचओ और एनएचएम स्टाफ नर्स की दोनों की सिलेबस थोड़ा बहुत सेम है। इसमें आपके क्वेश्चन सेम ही पूछे जाते हैं। एमपी में अभी वैकेंसी नहीं आई है, लेकिन झारखंड में वैकेंसी आ चुके हैं तो सीएचओ की। तो सीएचओ के यदि आप प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं तो आप इसी चैनल पे कंटिन्यू बने रहिए। एक और मेरे चैनल है वी टू मैम नर्सिंग क्लासेस। वी टू मैम नर्सिंग क्लासेस में सीएचओ से रिलेटेड, वी टू मैम नर्सिंग क्लासेस से रही है, सीएचओ से रिलेटेड काफी उसमें वीडियो अपलोड की गई है, जो की आपका यदि सीएचओ एंट्रेंस एग्जाम आप क्लियर करना चाहते हैं तो उसमें आपका डेफिनेटली है कि आपका क्लियर हो जाएगा। यदि आप बीएससी नर्सिंग के फॉर्म पे भरे हैं, जैसे बीएससी नर्सिंग के बाद ऐसा होता है कि बीपी सीसीएचएन का कोर्स नहीं करवाता 6 मंथ का, उसमें सीसीएस सर्टिफिकेट मिल ही जाता है लास्ट में। एंड आपका सिर्फ और सिर्फ जीएनएम बेसिस पे एक्सपीरियंस पे भरे हैं तो आप मेरे वी टू मैम नर्सिंग क्लासेस के चैनल पे विजिट कीजिए। एंड बीएससी वाले भी जो झारखंड में वैकेंसी आ चुकी है उनके लिए हम इम्पोर्टेंट रहने वाले रहेंगे वी टू मैम। एंड इसी चैनल पे कंटिन्यू बने रहिए, इसमें आपको डेली बेसिस पे एनएचएम से रिलेटेड, सीएचओ से रिलेटेड सारे क्वेश्चन इसमें अवेलेबल करवाए जाएंगे प्रीवियस ईयर के, एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी अवेलेबल करवाए जाएंगे जो आपके एग्जाम में पूछने की ज्यादा संभावना है। एंड टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो मेरे नंबर पे आप एसएमएस कर सकते हैं। मेरा नंबर जो है आपका 8992998785 3। सीएचओ या फिर आपका ये हो गया एनएचएम स्टाफ नर्स के टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, या फिर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप इसी नंबर पे एसएमएस कर सकते हैं। एक बार आप बात कर लीजिएगा जो भी आपकी क्वेरी हो। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। देखिएगा क्वेश्चन कैसा पूछा गया एनएचएम स्टाफ नर्स के। 100 क्वेश्चन थे जो आपका कितना मार्क्स के था आपका, देखिएगा मार्क्स आपका यहाँ पे दिया गया 100 क्वेश्चन एंड आपका ड्यूरेशन कितना 120 मिनट, ठीक है। एंड टोटल मार्क्स कितना 100, क्वेश्चन भी आपका कितना 100 है। फर्स्ट क्वेश्चन से हम बात करेंगे। पहला जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें देखिएगा, हाउ मेनी एडिशनल कैलोरी आर नीडेड इन द सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। ये क्वेश्चन जो है डियर आपके सभी नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम में पूछा जाता है। अभी आपका केजीएमयू के भी वैकेंसी आई है यूपी में, उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, सेकेंड ट्राइमेस्टर में यहाँ पे पूछा गया है। एक्स्ट्रा कैलोरी के बारे में पूछता है, एक्स्ट्रा कैलोरी प्रेगनेंसी में, एक्स्ट्रा कैलोरी आपका लैक्टेशन मदर में, तो आपका इसमें राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए इसमें राइट आंसर आपका जो हो रहा है 200 किलो कैलोरी पर डे, 200 कैलोरी पर डे, ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया देखिएगा यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अ स्ट्रेट रोड टाइप ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। यहाँ पे जो पूछा गया है कौन सा बैक्टीरिया होगा आपका, अ स्ट्रेट रोड टाइप ऑफ बैक्टीरिया, एग्जाम्पल आपको देना है कौन सा है आपका, देखिएगा एस्टेरिया, ठीक है ना। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है थर्ड नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, देखिएगा, प्रोकानिनेमाइड बिलोंग टू विच क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी रेदमिक ड्रग्स। थर्ड नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया, हिंदी में भी आपका दिया गया है। देखिए प्रोकेनामाइड जो है आपका अतलरोधी औषधियों के किस वर्गीकरण से संबंधित है, जिनको इंग्लिश में प्रॉब्लम हिंदी भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, सोडियम चैनल ब्लॉकर्स, कौन सा आएगा आपका, सोडियम चैनल ब्लॉकर। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ नंबर क्वेश्चन जो, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूलाज इज यूज्ड फॉर कैलकुलेशन ऑफ डोज ऑफ योर ड्रग फॉर चिल्ड्रेन। डोज ऑफ योर ड्रग फॉर किसके लिए, चिल्ड्रेन के लिए, ठीक है ना, कैलकुलेशन। तो यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन कौन सा आया, डिलिंग्स फॉर्मूला, कौन सा आएगा, डिलिंग्स फॉर्मूला, ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द स्मॉल सैक ऑफ कनेक्टिव टिश्यू लेन, देखिएगा, लाइंड विथ साइनोवियल मेम्ब्रेन दैट प्रोड्यूसेस साइनोवियल फ्लूइड, ठीक है ना, साइनोवियल फ्लूइड। यहाँ पे क्या हो रहा है, कनेक्टिव टिश्यू लाइंड विथ साइनोवियल मेम्ब्रेन, यहाँ पे देखिएगा साइनोवियल झिल्ली के साथ आस्थित उस संयोजी ऊतक की छोटी थैली का नाम क्या है जो आपका साइनोवियल तरल का उत्पादन करती है। तो कौन सा हुआ आपका राइट आंसर, देखिएगा इसमें क्या दिया हुआ है, वर्षा, ठीक है ना, वर्षा, बी यू आर एस ए, वर्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं डियर, आपका विच ऑफ द फॉलोइंग पैथोजन इज इम्प्लिकेटेड इन द पैथोजेनेसिस ऑफ स्टोमेक कैंसर। पैथोजेनेसिस पूछा किसका, स्टोमेक कैंसर का, तो इसमें राइट आंसर क्या होगा, हाइलोरी पाइलोरी, ठीक है ना, हाइलिको बैक्टेरिया
पायलोरी, ऑप्शन एच पायलोरी, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे दिया गया है 7 नंबर क्वेश्चन, अ रेयर कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सेसिव हाइड्रोक्लोराइड एसिड सिक्रेशन इज नॉन एज, एसिड सिक्रेशन इज नॉन एज। तो इसमें राइट आंसर क्या हुआ आपका, जोलिंगर एलिशन सिंड्रोम, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। देखिए डियर क्वेश्चन थोड़ा एनएचएम स्टाफ नर्स में भी थोड़ा क्वेश्चन काफी पूछने लगा, ठीक है, आपको थोड़ा डीप से ही पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे पूछा गया है द सर्फेस ऑफ द किडनी इज कवर्ड विथ थिन अ स्मूथ लेयर ऑफ फाइब्रस मेम्ब्रेन दैट इज कॉल्ड, तो कौन सा होगा, कैप्सूल, क्या होगा इसमें, कॉफ कैप्सूल। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, द नेजोफैरिंक्स इज लाइन बाय, तो इसमें राइट आंसर क्या हो रहा है आपका, सीडो स्ट्रेटिफाइड सीरिएटेड कॉलमर एपिथिलियम, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन है आपका, हाउ मच ऑफ द कार्डिक आउटपुट फ्लो टू बोथ किडनीज, कार्डिक आउटपुट फ्लो टू बोथ किडनीज, ठीक है, इसमें राइट आंसर आपका क्या होगा, 20 to 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हृदय निकास, यहाँ पे वही है 20 to 25। नेक्स्ट आपका 11 नंबर क्वेश्चन है, द चीफ सेल्स ऑफ द स्टोमेक रिलीज विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस, पेट की मुख्य कोशिकाएं निम्नलिखित में से किस पदार्थ का स्राव करती है, तो किसका करेगी आपका, पेप्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल टू मेक योर पेशेंट रिलैक्स एंड कंफर्टेबल फॉर योर फिजिकल एग्जामिनेशन, आपके लिए यही बेनिफिटेड है कि दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछा गया है, यदि आपको हिंदी में समझ में नहीं आ रहा तो इंग्लिश से, इंग्लिश में समझ में नहीं आएगा तो हिंदी से आप पढ़ के आंसर कर सकते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया, शारीरिक परीक्षण के लिए रोगी को तनाव मुक्त और आरामदायक बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आवश्यक है, तो इसमें राइट आंसर जो हुआ, इनक्रेज पेशेंट टू इम्पार्टी द ब्लाडर बिफोर एग्जामिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू असेस द हियरिंग एक्यूटी ऑफ योर पर्सन, कौन सा इंस्ट्रूमेंट को यूज करेंगे हियरिंग के लिए, तो ट्यूनिंग फॉक। ये क्वेश्चन लगभग 4 से 5 बार आपके एनएचएम स्टाफ नर्स में पूछा हुआ है एंड सीएचओ में भी क्वेश्चन पूछा गया है। सीएचओ के लिए मैं बार बार बोल रही हूँ, यदि प्रिपरेशन करना चाह रहे तो V2MM नर्सिंग क्लासेस के चैनल पे विजिट कीजिए, आप मेरे नंबर पे SMS जरूर करें, उसमें आपको पूरा का पूरा सीएचओ से रिलेटेड ही सारा मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, यहाँ पे दिया गया है 14 नंबर में, हाउ डज अ नर्स, देखिएगा सर, As certain that the capillary refill time is divided from normal indicating arterial insufficiency. तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो रहा है, द नेल रिटर्न्स टू इट्स नॉर्मल कलर इन 5 सेकेंड। यहाँ पे पूछा गया है कि एक परिचारिका कैसे पता लगाती है कि कोशिका पुनर्वर्णन समय समान संकेतकारी धमनी अपर्याप्तता से विचलित हो गया है, तो नाखून क्या होगा 5 सेकेंड में अपने सामान्य रंग में वापस आ जाता है, तो 5 सेकेंड में, ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नर्व इलिसिटिंग व्हेन द क्लाइंट फ्लेक्सेस, देखिए ईच आर्म एंड ट्राइज टू एक्सटेंड इट एज द नर्व अटेम्प्ट टू कीप द आर्म इन फ्लेक्शन, जब कोई प्रत्येक भुजा को मोड़ता है और उसे फैलाने का प्रयास करता है, जबकि परिचारिका, देखिएगा परिचारिका रोगी की भुजा को मुड़ी हुई अवस्था में रखने का प्रयास करती है, तो परिचारिका निम्नलिखित में से क्या पता लगाने की कोशिश कर रही होती है, तो यहाँ पे क्या होगा, देखिएगा इसमें राइट आंसर क्या है, ट्राइसेप्स मसल स्ट्रेंथ, ठीक है, ये ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर में, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइन ऑफ हॉट स्ट्रोक इन एन अडल्ट क्लाइंट, हीट स्ट्रोक इन एन अडल्ट क्लाइंट के लिए, तो क्या होगा इसमें, हॉट ड्राई स्किन, क्या होगा इसमें, हॉट ड्राई स्किन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कीजिएगा, देखिए इसमें कन्वर्ट 102 डिग्री फॉरेनहाइट टू सेल्सियस, यहाँ पे 102 क्या है, फॉरेनहाइट टू सेल्सियस में, तो 102 दिया हुआ तो सेल्सियस में कितना आएगा, ये फॉर्मूला आपको लगा देना है, राइट आंसर इसमें क्या करना कर देना है। यहाँ पे देखा जाए इसकी फॉर्मूला, देखिए आप लोगों को थोड़ा सा याद रखना होगा डियर, क्योंकि फॉरेनहाइट और सेल्सियस का दोनों का फॉर्मूला है, यदि सेल्सियस टू फॉरेनहाइट करना है, ठीक है ना, यदि फॉरेनहाइट आपको निकालना है तो एफ इज इक्वल टू कितना आएगा आपका, 9/5 into C, ठीक है,
प्लस क्या होगा यहाँ पे 32, तो आपका ये क्या निकल जाएगा फॉरेनहाइट। यहाँ पे देखिएगा फॉरेनहाइट निकल जाएगा यहाँ पे 102 डिग्री फॉरेनहाइट टू सेल्सियस, फॉरेनहाइट टू सेल्सियस दिया हुआ है तो फॉरेनहाइट टू सेल्सियस ठीक है। तो इसमें फॉरेनहाइट को क्या करना सेल्सियस में बदलना है, तो यहाँ पे फॉरेनहाइट निकल जाएगा आपका एफ इज इक्वल टू, सी इज इक्वल टू बात करें हम तो कितना आएगा डियर आपका 5 डिवाइडेड बाय 9, यहाँ पे फॉरेनहाइट आएगा -32, कितना आएगा -32 यानी कि सी इज इक्वल टू 5 बाय 9, यहाँ पे फॉरेनहाइट -32 तो यहाँ पे 100 सी इज इक्वल टू है सी इज इक्वल टू 5 बाय 9 कीजिएगा, फॉरेनहाइट कितना दिया हुआ है 102 -32 तो यहाँ पे जो भी आएगा तो राइट आंसर कितना आएगा आपका ऑप्शन 4 आएगा 38.8 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा रियर, यहाँ पे लिस्ट में जो पूछा गया व्हाइल परफॉर्मिंग एन एब्डोमिनल एग्जामिनेशन फॉर योर क्लाइंट विद एब्डोमिनल पेन व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ एग्जामिनेशन, कौन सा सीक्वेंस में होगा। देखिए ये क्वेश्चंस 18 और ये 17 वीवीआई कर लीजिए, इससे दो क्वेश्चंस आपके डन है, दोनों क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे आपके एनएचएम स्टाफ नर्स में या सीएचओ में एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिएगा एब्डोमिनल के लिए कौन सा होगा, फर्स्ट में इंस्पेक्शन होता है, फिर एस्कल्टेशन होगा, फिर पालपेशन होगा, फिर परक्यूशन होगा, यानी कि पी पी दोनों लास्ट में डियर, तो पालपेशन पहले आएगा ठीक है ना, आई ए पी पी। आपको ऐसा कुछ ट्रिक याद रखना होगा, अपने फैमिली मेंबर में नाम वगैरह कुछ वैसा रख लीजिएगा ताकि आपको याद रहे ठीक है ना, आई ए पी पी है ठीक है ना। तो आइए आइए हम लोग बोलते हैं आइए बैठिए है ना, आइए आइए है और पी पी ठीक है, पी पी भी याद रख रह जाएगा आपको पी पी। तो आइए पी पी आपको ये याद रखना, इंस्पेक्शंस एस्कल्टेशंस पाल्पेशंस और परक्यूशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, यहाँ पे दिया गया है विच फेज ऑफ देखिएगा कोटकोफ सॉन्ड्स इज रिकमेंडेड बाय द अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन एज एन इंडिकेशन ऑफ डायस्टोलिक प्रेशर इन अडल्ट, तो इसमें किसमें आएगा कौन सा फेज में जाएगा ये सॉन्ड, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन द्वारा वयस्कों में अनुशीतलन दाब के संकेत के रूप में कोरटकॉफ ध्वनियों के किस चरण की सिफारिश की जाती है, तो ऑप्शन कौन सा आएगा 4 आएगा यानी कि 5 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट रिलायबल कोर बॉडी टेम्परेचर मेजरमेंट साइट, तो कौन सा होता है सबसे अच्छा आपका रेक्टम, कौन सा होता है मोस्ट रिलायबल साइट है तो रेक्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 21 नंबर क्वेश्चन, एन एग्जाम्पल ऑफ एन देखिएगा एल्केटिंग एजेंट इज, यहाँ पे क्या पूछा है अल्काई लेटिंग एजेंट ठीक है ना, अल्केलेटिंग एजेंट्स के बारे में, तो कौन सा होगा आपका क्लोरेबुल सील्स, आपका क्या है देखिएगा क्लोरेबुल सील्स, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन शुड बी सूट द नर्स कंसीडर एज कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर एडमिनिस्ट्रेटिंग थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी, देखिए इस जो सेशंस में क्वेश्चन आए हैं डियर ये थोड़ा टफ है क्वेश्चन आपका, अकॉर्डिंग टू जो आपका पहले पूछा गया है या फिर बाद में जो एग्जाम हुए हैं उसमें से एक क्वेश्चन थोड़ा इस 2021 का ये पेपर आपका टफ है। यहाँ पे देखिएगा राइट आंसर में क्या हुआ प्रेजेंट प्रेगनेंसी, क्या हुआ आपका ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिएगा विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस इज यूज्ड टू इम्यूनोबाइल्स द सर्वाइकल स्पाइन इन केस ऑफ स्पाइनल इंजुरी इन पेशेंट्स, यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस इज यूज टू क्या इम्यूनो इमोबाइलाइज द सर्वाइकल स्पाइन इन केस ऑफ स्पाइनल इंजुरी इन पेशेंट्स, तो राइट आंसर इसमें क्या होगा हेलो बेस्ट, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। यहाँ क्वेश्चन में क्या पूछा था देखिए, रोगियों में रीढ़ की हड्डी में चोट लगने की स्थिति में सर्वाइकल स्पाइन जो होता है कि स्थितिकरण के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जा सकता है, तो हेलो बेस्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रेन देखिएगा पैरेन्काइमा इज जनरली टर्म एज क्या कहलाएगा एंसेफेलाइटिस, क्या कहलाएगा एंसेफेलाइटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, इंजेक्शन कैल्सियम ग्लूकोनेट इज एडमिनिस्टर्ड एज अ फर्स्ट लाइन एजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस, किसमें देने के लिए कैल्सियम ग्लूकोनेट, तो हाइपरकैलेमिया, किसमें हाइपरकैलेमिया,
हाइपरकैलेमिया आपका क्या होता है, किसकी यहाँ पे बढ़ जाती है, किसकी वृद्धि हो जाती है, सोडियम की, पोटेशियम की, किसका होगा आपका? तो इसमें हाइपरकैलेमिया में किसका बढ़ जाएगा आपका? पोटेशियम की लेवल हमारे ब्लड में क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है, इसे हम क्या कहते हैं, हाइपरकैलेमिया। यही चीज पूछे गया, निम्नलिखित में से किस स्थिति में सबसे पहले उपचार के रूप में इंजेक्शन कैल्शियम ग्लूकोनेट को दिया जाता है, किस स्थिति में, जब हमारे ब्लड में क्या होगा, पोटेशियम की मात्रा लेवल नॉर्मल से अधिक हो जाए तब। ठीक है, तो राइट आंसर इसमें क्या हुआ, ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए साइन ऑफ ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम इन ऑन्कोलॉजिकल इमरजेंसीज। नॉट अ साइन ऑफ ट्यूमर की बात किया, नॉट ए साइन ऑफ, ये क्वेश्चन समझिए आप एक्सेप्ट जैसा हो जाए। ठीक है ना, एक्सेप्ट में क्या होता है डियर आपका, एक्सेप्ट में होता है कि तीन क्वेश्चन आपका उसके लिए है, यानी कि साइन ऑफ ट्यूमर का है, लेकिन ये क्वेश्चन को छोड़कर, यहाँ भी नोट में एक नहीं होगा, बाद में कि सब होगा इसमें, तो कौन सा नहीं है इसमें, तो हाइपर कैल्सीमिया, कौन सा नहीं आएगा इसमें, हाइपर कैल्सीमिया, कैल्सीमिया, कैल्सियम की अधिक मात्रा हो रहा है इसमें, तो इसमें डी ऑप्शन इसमें नहीं आ रहा है, तो राइट आंसर ऑप्शन फोर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस कंफर्म द रिमूवल ऑफ प्रेशर फ्रॉम द प्रेशर ट्रांसड्यूसर्स वाइल मॉनिटरिंग इन्वेसिव आर्टियल प्रेशर। यहाँ पे देखा जाए आक्रामक धमनी दबाव जिसमें इन्वेसिव आर्टियल प्रेशर पर नजर रखते हुए निम्नलिखित में से किस कार्य से प्रेशर ट्रांसड्यूसर से दबाव के हटने की पुष्टि होती है, तो किसमें होगा, ज्यूरिंग द ट्रांसड्यूसर। ठीक है ना, तो ये इसमें क्या होगा, राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, यहाँ पे वाइल केयरिंग फॉर योर पेशेंट्स और मैकेनिकल वेंटिलेटर विच ऑफ द फॉलोइंग रेंजेज ऑफ एंडोट्रेकियल ट्यूब कफ प्रेशर इज मेंटेन, कफ प्रेशर इज मेंटेन, तो 20 to 25 सेंटीमीटर वाटर H2O। ठीक है ना, ऑप्शन फोर इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मिनिमम कंप्रेशन डेप्थ ऑफ द चेस्ट फॉर अडल्ट कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, मिनिमम कंप्रेशन डेप्थ पूछा है, डेप्थ तो कितना होगा, 2.0 इंचेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 30 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द कंप्रेशन वेंटिलेशन रेशियो ड्यूरिंग अडल्ट कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन विथ टू रेस्क्यूज, विथ टू रेस्क्यूज। ये क्वेश्चन से ये क्वेश्चन दोनों आ गए, यानी कि इस दोनों को आपको VVI कर लेना, ऑलवेज एग्जाम में पूछा जाएगा। राइट आंसर इसमें क्या आएगा, 30:2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, A 62-year-old male is admitted in an emergency ward with history of fall from a height and is suspected to have a spinal cord injury at dekhiyega C5 and C6 level. Which of the following method is used to open the airway? So, right answer इसमें क्या होगा, जॉ थ्रस्ट। क्या होगा सबसे पहले, जॉ थ्रस्ट। ठीक है ना, ऑप्शन यहाँ पे जबड़े पर जोर देना, किसमें, जबड़े पर जोर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, what is the recommended duration of carotid pulse चेक बाय हेल्थ केयर प्रोवाइडर फॉर एन अडल्ट विक्टिम ड्यूरिंग कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा डियर, 5 to 10 सेकेंड, क्योंकि ड्यूरेशन पूछा, रिकमेंडेड ड्यूरेशन कितना देर तक होगा कैरोटाइड पल्स में, तो 5 to 10 सेकेंड, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पल्सेस देखिएगा, पैराडॉक्सेस इज जनरली ऑब्जर्व इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस, तो कौन सा होगा, कार्डिक टैम्पोनेंट, कौन सा होगा, कार्डिक टैम्पोनेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कॉमन कॉजेज ऑफ जॉन्डिस इन योर चाइल्ड विद विल्म्स ट्यूमर, विद विल्म्स ट्यूमर। यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विल्म्स ट्यूमर वाले बच्चे में पीलिया का सामान्य कारण नहीं है, यानी कि तीन होगा लेकिन एक को छोड़कर, तो ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द सुपेरियर वेना केवा ये इसमें नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज अ कोरोनरी वैसो डायलेटर, कोरोनरी वैसो डायलेटर, तो राइट आंसर इसमें नाइट्रोग्लिसरीन होगा। क्या होगा, नाइट्रोग्लिसरीन, क्योंकि कोरोनरी वैसो डायलेटर्स की बात किया डियर, निम्नलिखित में से कौन सी दवा कोरोनरी वैसो डायलेटर्स के लिए है, तो नाइट्रोग्लिसरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 36 नंबर, अ कम्युनिटी हेल्थ नर्स हैज ऑर्गेनाइज अ कैंप फॉर वुमेन एज 30 इयर्स एंड अबव, द सी इज टीचिंग देन अबाउट ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन वन लेबल, ऑप्शन कौन सा लेबल में जाएगा ये, तो प्राइमरी लेबल में, वन लेबल ऑफ ब्रेस्ट कैंसर प्रिवेंशन इज दिस, तो प्राइमरी प्रिवेंशन किसमें जाएगा ये आपका, प्राइमरी प्रिवेंशन में जाएगा। इसमें क्या होता है, बिफोर वन सेट ऑफ डिजीज, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी प्रिवेंशन, यानी कि लेबल ऑफ प्रिवेंशन डियर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए, इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, यहाँ पे पूछा गया है, व्हाट आर द पॉपुलेशन नॉन फॉर सेटिंग अप मिनी आंगनवाड़ी सेंटर इन रूरल एरियाज अंडर द ICDS प्रोग्राम।
मिनी तो कितना होता है, 100 150 से लेकर 400 पॉपुलेशन तक। मिनी का मतलब पूछा, मिनी छोटा है तो कितना होगा पॉपुलेशन लगभग होगा। तो देखिए आईडीएस कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में लघु आंगनवाड़ी केंद्र स्थापित करने के लिए जनसंख्या मानदंड क्या होना चाहिए कम से कम, तो आपका कितना होना चाहिए 150 से लेकर 400 पॉपुलेशन तक। कितना होना चाहिए 150 से 400 पॉपुलेशन तक। यहाँ पे इंटीग्रेटेड क्या है, चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, इसकी फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ मिड डे मील स्कीम ऑफ चिल्ड्रेन फॉर क्लास 1 to 5, हाउ मच कैलोरी एंड प्रोटीन शुड बी प्रोवाइडेड इन ईच मील। आपका कैलोरी और प्रोटीन दोनों पूछा है डियर यहाँ पे क्वेश्चन में, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, कैलोरी प्रोटीन से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में डेफिनेटली पूछता है। एक्स्ट्रा कैलोरी क्या होगा, एक्स्ट्रा प्रोटीन कितना होगा प्रेगनेंसी के लिए, लैक्टेशन के लिए, बच्चे के लिए। तो यहाँ पे देखिए राइट आंसर कितना होगा, मिनिमम 300 कैलोरी, 8 to 12 ग्राम ऑफ प्रोटीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे द कंसेंट्रेशन ऑफ देखिए रिस्पायरेबल सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर इन इन वेरिएबल हायर इन बीच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज। यहाँ पे कौन सा होगा, इंडस्ट्रियल साइट होगा। कौन सा होगा, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में शोषणीय लंबित कान, देखिए कानमानी पदार्थ की सांद्रता सर्वदा अधिक होती है। तो यहाँ पे आपको रेस्पायरेटरी से रिलेटेड तुरंत समझ जाना किसमें होगा सबसे ज्यादा, ये आपका या पे इंडस्ट्री में होगा। राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, विच ऑफ द फॉलोइंग इंट्रावेनस, देखिए इंटरवेंशन इज बीइंग परफॉर्म अंडर राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की बात पूछा गया है, तो इसमें 4D होता है, सभी को मालूम होगा 4D एंड 18 ईयर से स्टार्ट, 18 ईयर से राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम 18 ईयर तक। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर इसमें क्या होगा, देखिए इसमें आपका राइट आंसर दे दिया गया है, इसमें आपका बर्थ टू 18 ईयर्स है ना, बर्थ से लेकर 18 साल तक के हम RBST, जिसमें से 4DS का आपका इंपॉर्टेंट इसमें रोल है, जिसमें अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिफेक्ट एट बर्थ, डिजीज डेवलपमेंट डिले इन चिल्ड्रेन, ठीक है, ये इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, अंडर द राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्थ केयर प्रोफेशनल स्क्रीन चिल्ड्रेन एज 6 वीक्स टू 6 ईयर्स ओल्ड एट द आंगनबाड़ी सेंटर। तो डेडिकेटेड मोबाइल हेल्थ टीम होगा, इसमें क्या होता है मोबाइल हेल्थ टीम, इसके डेडिकेटेड देखिए यहाँ पे 6 वीक से लेकर 6 साल तक के बच्चे को किसमें मोबाइल हेल्थ टीम के अंदर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द फर्स्ट स्टेप इन एनी डिजीज आउटब्रेक इन्वेस्टिगेशन, एनी डिजीज द वेरिफिकेशन ऑफ डायग्नोसिस। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इफेक्टिव चैनल टू रीच अ टारगेट ऑडियंस एंड इफेक्ट हेल्थ बिहेवियर चेंज अमंग देखिएगा पुअर सेक्शंस ऑफ द कम्युनिटी। तो इसमें पूछा है कि लक्षित लोगों तक पहुंचने और समुदाय के गरीब वर्गों के बीच स्वास्थ्य व्यवहार परिवर्तन को प्रभावित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रभावी माध्यम है। तो राइट आंसर इसमें क्या आएगा डियर, आपका राइट आंसर इसमें क्या होगा, आपका ऑप्शन सेकेंड आएगा, यानी कि म्यूजिकल ऑफ ड्रामा परफॉर्मेंस एंड कम्युनिटी इवेंट्स, ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिंग विटामिन के इन या न्यू बोर्न। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, विटामिन के का जो आपका 1 किलो से बच्चा कम हो, 1 किलो से बच्चा ज्यादा हो, कम हो, ठीक है ना, इसमें कितना दिया जाएगा, यदि पिल्लू है एवब है तो क्या होगा, एवब और बिलो, तो कितना दिया जाएगा आपका 0.5 ml, तब हम देते हैं जब हमारा बच्चा का वजन कितना होता है बर्थ के समय में 1 किलो से कम, यानी कि 1000 ग्राम से कम हो। यदि बेबी का वजन आपका 1 किलो से ज्यादा है, 1 kg से अबव है, तो आपको 1 mg आपको देना है, ठीक है, ये चीज को ध्यान रखना है। एंड आपको इंट्रामस्कुलर हम विटामिन के इंजेक्शन देते हैं क्वागुलेट करने के लिए, ब्लड को थक्का जमाने के लिए, ऑप्शन कौन सा आएगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, व्हाट इज कॉर्पस्कोप सिंड्रोम इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ऑलवेज आपका पूछा गया है। विटामिन में रिलेटेड जो आपका न्यूट्रिशन से मैं इंपॉर्टेंट चैप्टर में बता दूं, आपका वाटर सॉल्युबल फैट सॉल्युबल विटामिन से क्वेश्चन डेफिनेटली आपका पूछेगा डियर, तो इसमें राइट आंसर क्या होगा थायमिन, ये सारे का दूसरा नाम क्या है विटामिन का, जरूर आपको एक बार देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे 46 नंबर जो पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर सिस्टिक फाइब्रोसिस,
सिस्टिक फाइब्रोसिस के लिए कंफर्मेटरी टेस्ट कौन सा है? तो स्वेट क्लोराइड टेस्ट करते हैं, SCT। नेक्स्ट, इन डिहाइड्रेशन वेन द इलेक्ट्रोलाइट डेफिसिट एक्सीड द वाटर डेफिसिट इज रिटर्न मैच। तो हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन कहेंगे, क्या कहेंगे? हाइपोटोनिक, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया निर्जलीकरण में जब विद्युत अपघटन की कमी पानी की कमी से अधिक हो जाती, पानी की कमी से अधिक हो जाती है तो इसे क्या कहा जाता है? तो आपका हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे हाईली मैलिग्नेंट एमरन नियोप्लाज्म विच इन्वॉल्व वन ऑफ बोथ किडनी इज नॉन एज मैलिग्नेंट, और आपका एम्ब्रियोनल यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा होगा? विल्म्स ट्यूमर। कौन सा आएगा इसमें? विल्म्स ट्यूमर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, 49 जो आपका पूछा गया यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग कीमोथेरापेटिक एजेंट कॉजेस हेमरेजिक सिस्टाइटिस। क्या है? हेमरेजिक सिस्टाइटिस। निम्नलिखित में से कौन से रसायन चिकित्सा कारक रक्त स्राव मूत्राशय हेमरेजिक सिस्टाइटिस का कारण बनता है? तो कौन सा होगा आपका? साइक्लोफॉस्फामाइड, साइक्लोफॉस्फामाइड ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट एंड 50 एंड लास्ट क्वेश्चन है डियर, 50 नेक्स्ट क्लास में आपको मिलेगा, 50 तक ही मिलेगा इस वीडियो में आपको, 100 क्वेश्चन टोटल है। तो ये क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है एंड बहुत सारे वीडियो अपलोड कर दी गई हैं इसमें भी एंड अलग अलग चैनल में भी जो MPNHM स्टाफ नर्स का, लेकिन उनके अकॉर्डिंग ये थोड़ा सा क्वेश्चन इसमें थोड़ा अलग पूछा था, थोड़ा टफ क्वेश्चन इसमें लिया गया है। तो इसमें देखिएगा पूछा गया 50 नंबर में, इन या क्रिटिकली इल चाइल्ड ड्यूरिंग द एक्यूट स्टेज ऑफ रिससिटेशन ऑफ शॉक द फर्स्ट चॉइस ऑफ क्रिस्टलोइड शुड बी। इसमें राइट आंसर क्या होगा? नॉर्मल स्लाइन। तो ये हमारा 50 नंबर क्वेश्चन तक था, नेक्स्ट हम 51 से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा आपको। आई होप कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी, तो लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें, जितने भी अलग अलग स्टेट में वैकेंसी आई है, NHM स्टाफ नर्स या CHO की वैकेंसी है, सभी तक शेयर करें आप लोग, या फिर जो प्रिपरेशन कर रहे हैं अभी JNM लास्ट ईयर है तो उन लोग के लिए पास भी कर सकते हैं ताकि उनका भी प्रिपरेशन सही हो। एंड कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें, प्यारा सा कमेंट जरूर करें। और आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना हो या PDF लेना हो तो आप इसके लिए मेरे कॉन्टेक्ट नंबर पे SMS कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।